आप देख रहे हैं एसकेके न्यूज। सिद्धार्थनगर के पुलिस लाइन परिसर में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एसपी और जिलाधिकारी के साथ एडिशनल एसपी ने होली के त्योहार का आनंद लिया। दरअसल होली के दिन सभी अधिकारी और पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर होते हैं, जिस कारण इन पुलिसकर्मियों के लिए होली के अगले दिन होली मिलन का आयोजन किया गया था। सिद्धार्थनगर में खाकी पर दाग लगाने वाला एक कारनामा सामने आया। आरोप है कि डिडई ग्राम में शौच को जा रही एक महिला को यूपी 100 पर तैनात सिपाही ने बुरी नियत से पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिसकर्मी ने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया, लेकिन महिला के शोर मचाने पर महिला का देवर अन्य ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंच गया और सिपाही को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। बिजनौर के सिविल लाइन स्थित प्रधान डाकघर में डाक पासपोर्ट कार्यालय का उद्घाटन सांसद कुंवर भारतेंद्र ने फीता काट कर किया। बता दें कि जनपद वासियों को पहले पासपोर्ट बनवाने के लिए बरेली अपॉइंटमेंट के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अब पासपोर्ट बनवाने के सारे कार्य जिले में ही पूरे हो सकेंगे। वहीं लोगों को कई अन्य समस्याओं का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये पासपोर्ट बनवाना एक बहुत बड़ी समस्या होती थी, महीनों लग जाते थे हमें बरेली से आने जाने में, कम से कम 4 से 6 महीने लगते थे। अब हर जिले में पासपोर्ट ऑफिस खुलेगा, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि बिजनौर में खुल गया है और मुरादाबाद में भी खुल गया है। तो वो जो भीड़ रहती थी अब बरेली की, वो सब छट गई है। अगर अपनी लोकसभा बिजनौर की बात करें तो मुजफ्फरनगर में भी खुल गया है और मेरठ में भी अब पासपोर्ट ऑफिस खुल गया है। बिजनौर के ग्राम फरीदपुर काजी में दबंगों की दबंगई का मामला उस वक्त सामने आया जब एक दबंग परिवार के दर्जनों लोगों ने शराब पीकर गांव के ही एक गरीब परिवार के घर में घुसकर परिजनों पर धारदार हथियारों से हमला बोल दिया। वहीं महिला पर हमला करते हुए दबंगों ने घर में तोड़फोड़ भी की। पीड़ित परिवार का आरोप है कि होली के दिन दबंगों द्वारा शराब पीकर रंग डालने का उन्होंने विरोध किया था, जिस पर दबंगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पूरा मामला ये था, एक बार जो बड़े बड़े लोग हैं बच्चों में उन्होंने दारू पी रखी थी, बच्चे बोले ना सब लोग आए, तो ये साबू के लड़के हैं और कदीर के लड़के सब लोग घर में आए, घर में आ गए, औरतों को भी मारा फरजान, अब फरजान बाहर खड़ा हुआ बोले खींच घर में से मारा है इनको, और फिर खेत चंदाड़ी में फिर गाड़ी की लाइट वाइट फोड़ के निकाली। कितने लोगों के साथ मारा? लगभग ऐसे तो कोई 50 इस घर में, 50 उस घर में। आप कितने कितने लोग, आप कितनी महिलाओं से मारपीट? महिला दो और दो चार, चार महिला सारी थी, दो इस घर में थी, दो इस घर में थी। आपने कोई रिपोर्ट वगैरह की? हाँ, रिपोर्ट दर्ज कर दी हमने पहले। क्या चाहते हो? हम क्या चाहना, हम सजा दिलाएंगे उनको, जो हमारी औरतों पर हमला करा वो अपनी औरतों पर हमला करा लो। बागपत के खेकड़ा में एक चाचा ने भतीजी के साथ रेप करने में असफल होने पर भतीजी की तेजधार हथियार से काटकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतका अपने घर में अकेली थी और साफ सफाई कर रही थी। इस दौरान घर पहुंचे आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया, लेकिन किशोरी के विरोध के चलते असफल होने पर आरोपी चाचा ने भतीजी की हत्या कर दी। वहीं वारदात के बाद थाना अध्यक्ष की सूचना पर एसपी घटनास्थल पर पहुंच गए और कार्रवाई करते हुए आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर लिया। रामपुर में एक शादीशुदा प्रेमिका पर अपने अविवाहित प्रेमी को जहर देकर मौत के घाट उतारने का आरोप लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि प्रेमी जोड़े के परिजन इस रिश्ते के खिलाफ थे। वहीं मृतक प्रेमी के परिजनों का आरोप है कि युवती ने फोन कर युवक को अपने घर बुलाया और खाने की किसी चीज में जहर दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जिसके बाद सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही मृतक की प्रेमिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।